सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज, मेरे सामने खड़ी है TVS XL 1000 इनलाइन 4। मजाक कर रहा हूँ भाई, TVS XL 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट वाली। और अगर आपको TVS की कोई भी स्कूटी या बाइक लेनी है तो आप आ सकते हैं भाई राजेंद्र TVS। शोरूम का डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी भाई अपने भाई है वाराणसी के आसपास से तो भाई आ सकते हैं, शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं। तो आज से पहले भाई TVS XL का व्लॉग कभी मैंने शूट नहीं किया, हालांकि चलाया बहुत, इतना मज़ा लिया है ना इससे। तो ये एकदम फ़न का व्लॉग होने वाला है। तो एक हल्का सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, मतलब एक थोड़ा डिटेल वॉक अराउंड दे देता हूँ। पूरा हेलोजन सेटअप है भाई, डेफिनेटली LED नहीं है। हेलोजन हेडलाइट्स, हेलोजन इंडिकेटर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रिफ्लेक्टर दोनों साइड, 2.75 के फ्रंट और रियर टायर्स में 16 इंचेस के अलॉयज भाई। हर बार मैं कहता हूँ 17 इंचेस या 18 इंचेस, तो 16 इंचेस के अलॉयज हैं। और ग्राउंड क्लीयरेंस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 158 mm का आपको डिसेंट ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। 97cc का इंजन है और फुल्ली एनालॉग मीटर FI वाली है भाई, एकदम लेटेस्ट E20 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो करीब 77,000 की XL होगा ये भाई, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से टॉप वेरिएंट ही है आई थिंक। तो 77,000 की आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। और अगर आप इस शोरूम पे आते हैं मेरा नाम लेके तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाइयों के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ भाई, एकदम लाइट वेट, 89 किलो का कर वेट है। और आराम से बैठ जाइए भाई, एकदम फन। सेल्फ आई थिंक बैटरी नहीं है इसमें, तो किक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और आराम से भाई एक सेल्फ में, अरे एक किक में देख रहे हैं स्टार्ट हो गई। एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे, मस्त भाई। तो गाइस, और इसको मतलब फॉर्चुनेटली एक्सल के लिए एकदम परफेक्ट रोड्स भी मिली है भाई, ऐसे गांव की रोड। 89 किलो का कवरेट है, 4.4 PS की पावर, 6.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अरे भाई एक्सल काफ़ी फास्ट हो गई है, टॉप स्पीड तो मुझे लग रहा है यहीं पे चली जाएगी भाई 60। अरे ये देख रहे चाचा लोग कहीं भी मोड़ देते हैं। ब्रेकिंग भाई, ब्रेकिंग डिसेंट है, 110 mm का आपको ड्रम देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर दोनों में। और मतलब एक्सल के कॉम्पिटिटर्स तो कोई है ही नहीं भाई, एकदम मतलब TVS इस मामले में मोनोपली किया हुआ है अपना। अगर आपको कोई ऐसा भाई मतलब लेना है, यहाँ के लैंग्वेज में तो इसको लूना ही बोला जाता है, तो कोई आपको हैवी वर्क ड्यूटी व्यूटी करना है, माइलेज जितना आप इससे मैक्सिमम निकाल लीजिए भाई, फोर लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है 4 लीटर्स में ही, मतलब जो है टोटल फुल हो जाती है। और हाय हाय हाय, मतलब इतना कंफर्टेबल पोस्चर है ना, आराम से बैठा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है। एग्जॉस्ट नोट भी बेसी हो गया है भाई, वाइब्रेशंस भी बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के हैं भाई, इंजन कितना रिफाइंड हो गया है, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है एक्सल को राइड करके। पिलियन के साथ हूँ भाई, 60 तो आराम से चली जा रही है, टॉप स्पीड आई थिंक 65-70 होगी। और मज़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, इसकी मजाक से हट के अगर बात करें तो 130 किलो की जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही इससे हैवी जो है लोड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई आपको हैवी ड्यूटी काम करना। जैसे कि नाम इसका TVS XL हैवी ड्यूटी, तो हाँ वैसा इसका काम भी। और इतना मतलब इससे इतना फ़न किया है भाई, लगभग अगर आप कहें आज से 5 से 6 साल पहले तीन तीन लोग, चार चार लोग मतलब बैठ के भाई, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा हालाँकि अभी, और पहले बचपन में मतलब किसी की मिल जाती थी ना तो चार चार लोग बैठ के भाई इस पर जो है पूरा राइड करते थे, इसको कुदाते फुदाते हुए ले जाते थे। लेकिन बहुत मजबूत है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, हैवी ड्यूटी के लिए बनी है, तो बहुत मज़ा आता था। और अब तो खैर FI हो गई है, पहले कार्बोरेटर वाली आती थी। अच्छा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स एक्सल में ये है
कि इनिशियल आपको जो है 0 से 10 तक, जैसा ओला में नहीं होता है कि टाइम लेता है, लेकिन अगर आप एक 10 से 15 के ऊपर चल जाते हैं तो फिर बहुत तेज स्पीड पकड़ती है। ये देख रहे हैं 30 से 40 कितना तेज जा रहा है। इनफैक्ट मैं पीडियन के साथ हूँ भाई। कार सॉर्स को तो एकदम धूम मचा दिए भाई कॉर्नर पे। और एकदम ये गांव का रोड भाई, गांव की जो फ्रेश हवा है ना, ये जो तो एकदम अलग चीज़ है, वो सिटी में भाई कभी मिलती ही नहीं है। ब्रेक्स आराम से प्रेस करिए। अच्छा, मैं हर बाइक से गियर चैलेंज करता हूँ, इसका कौन सा गियर चैलेंज करूँ भाई, गियर ही नहीं। सस्पेंशन काफ़ी सही काम कर रहे हैं, हालांकि अभी इस रोड्स पे ब्रेकर होना चाहिए भाई। गड्ढे वड्ढे ढूंढ रहा हूँ भाई, रोड कितनी अच्छी है। थोड़ा सा इसके पहले वाले रोड पर गड्ढे वड्ढे थे। थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हैं, कोई कमी नहीं है भाई, थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया है। मिरर्स आपको जो है एक, अगर मैं कहूँ ठीक ठाक, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक जो है व्यू प्रोवाइड कर देंगे। हैंडल बार का पोजीशन भी अपराइट है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, और बहुत सुकून मिल रहा है। मतलब इसको राइड करके कंफर्ट लेवल, तो मतलब कंफर्ट जो है नेक्स्ट लेवल है भाई। एकदम आराम से फुटपैक्स की जो पोजीशन है फ्रंट में है, तो मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा सा अच्छा गड्ढों में चलते देखते हैं। सस्पेंशन बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रेयर में आपको, रेयर में भी हाइड्रोलिक, डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक। गड्ढों वड्ढों में कूदाते हुए भगाइए भाई, बहुत टेस्ट किया है इसको बचपन में, और आज भी भाई जो है लेगेसी मेंटेन किए भाई इसने। अच्छा, हॉर्न भी पहले से ही कुछ इस टाइप का आता था भाई, कैं कैं। मज़ेदार, ज़बरदस्त। है मनुवर करना है अगर इस पर आपका हाथ सेट हो गया ना भाई, इतनी कॉम्पैक्ट सी इसको लेके घुस जाइए कहीं भी, इतना पतला है भाई, आराम से लेके निकल जाएंगे कहीं से भी। वारे TVS XL, वारे लूना। अच्छा, आप तो सेल्फ, जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ स्टार्ट भी आ गई है, तो बहुत इजी हो गया, किक भी मिल जाता है। इतना बड़ा आपको स्पेस बीच में है, तो भाई जैसा कि है ही भाई, पूरा माल वाल लोड करने के लिए, तो आराम से आप अपना जो है काम कर सकते हैं। और जिस हिसाब से भाई मैं बताऊँ ना, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, तो ये एक जो है गैराज में रहनी चाहिए भाई, कभी ना कभी एक फ़न करने के लिए, निकले अपना शाम को सिटी उटी में लेके तो मज़ा आ जाए। ये देखिए भाई, ब्रेकर है, देखते हैं, बढ़िया, बहुत स्मूथ, आराम से निकल गई। इसकी मैं क्या कमी बताऊं, कुछ ऐसी कमी ही नहीं है इसमें। अब टर्न लेते हैं, वापस चलते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक मार के, अच्छे गियर देख रहे हैं, गियर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइक चलाने की इतनी आदत हो गई, एक तो भाई थोड़ा बाइक वाला पोस्चर ही है, स्कूटी रहती है तो भाई हाँ समझ में आता है, आप आराम से पैर अंदर किए हुए रहते हैं, बट मज़ेदार भाई, मज़ेदार भाई। TVS XL भी एक दिन FI हो जाएगी, सोचा नहीं था भाई सच में। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। इसको अच्छा रोक के आपको सीट हाइट दिखाते हैं पहले, यहाँ थोड़ा सा आगे रोकते हैं भाई। ये अगर मैं रोकता हूँ तो यहाँ मेरी हाइट 5 feet, आराम से दोनों पैर ज़मीन पे आ रहे हैं, खड़े हो जाइए, डांस करिए, कुछ भी करिए। अच्छा, इनिशियल पे हूँ तो देखते हैं इनिशियल से उठती है कि नहीं, पीडियन के साथ हूँ तो इनिशियल से देख रहे हैं, एक बार जो है टाइम लगाती है, लेकिन जैसे ही 10-20 पकड़ी ना तो फिर बहुत तेज़ जाती है, एकदम गोली की तरह भैया। अरे मेरा पैर वैर भाई नीचे ब्रेक ढूंढ रहा है। TVS XL दी लेजेंडरी, फुल थ्रॉटल,
इन पतली पतली सड़कों पे टीवीएस एक्सेल विद फुल थ्रॉटल। अच्छा, काफ़ी लोग को अगर मैं कहूँ तो देखिए भाई, अगर जेन्युइन बात करूँ तो आज के टाइम पे ना, अगर किसी को लेना भी है तो ये नहीं लेगा, क्योंकि काफ़ी लोग को जो इसको चलाने में शर्म आती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना जो है बस चल रही है ना भाई, बाइक है कह सकते हैं आप, हर बाइक का अपना मज़ा है। देखिए, आप हायाबूसा से जो कर सकते हैं वो आप इससे नहीं कर सकते, इससे आप जो कर सकते हैं वो हायाबूसा से नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का अपना मज़ा है। इसको आप कहीं भी ले जाकर पार कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हायाबूसा लिए हैं भाई, कहीं भी ले जाकर पार करेंगे तो डेफिनेटली एक रिस्क रहता है हमेशा भाई, कोई बाइक जो है टच कर रहा है किस तरह से भाई, गिर गई, स्क्रैच आ गया, तो हर चीज़ है। तो हर चीज़ का अपना मज़ा है, और आपको हर चीज़ से मज़ा लेना आना चाहिए ज़िंदगी में। और आपने वो सीख लिया ना, तो फिर मज़ा ही मज़ा है। काफ़ी लोग सोचते हैं अरे भाई मेरे पास तो टीवीएस एक्सेल है ये वो, नहीं भाई, जो है उससे मज़ा लेना सीखिए पहले। बहुत मज़ा लिया है भाई इससे बचपन में, सच बता रहा हूँ। जिसकी भी हाथ लगती थी ना, बस तीन तीन चार चार लोग बैठ कर निकल जाते थे, काफ़ी दूर दूर, माइलेज तो देती है ज़बरदस्त। अच्छा, इससे मैंने जो है मैक्सिमम लॉन्ग राइड किया है, मतलब 40-50 किलोमीटर्स का। अच्छा, हाईवे पे एकदम सर दर्द हो गया था भाई, 60 के ऊपर जा ही नहीं रही थी, पिलियन के साथ था पूरा थ्रॉटल लेकिन मज़ा आता है भाई, वो सब टाइम भी याद करके मज़ा आता है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दे रही है, देख रहे हैं कार वार कॉर्नर पे, तो बस यही है कहीं मैं जंगल में ना घुस जाऊं भाई, तालाब में, इसीलिए थोड़ा सा आराम से चल रहा हूं, क्योंकि ये रोड्स मैंने देखी नहीं है, पहली बार आ रहा हूं। ये देख रहे हैं भाई क्या मनोहर हो रही है भाई, सेक्सी देख रहे हैं। टीवीएस स्पोर्ट स्पोर्ट सब इसके पीछे है, सब इसके नीचे है, थ्रॉटल लीजिए और मज़ा ही आ जाता है। तो डेफिनेटली भाई, अगर आपका कोई ऐसा काम है और हैवी ड्यूटी सब कुछ, तो आज भी ये बेस्ट है, क्योंकि इसका भाई कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। माइलेज मुझे लगता है भाई 70 KMPL के ऊपर ही देती होगी, 70-75। अब कई लोग 100 बोलने मत आ जाइएगा भाई नीचे कमेंट्स में, क्योंकि ये दे भी सकती है। एकदम रिलैक्स भाई, एकदम रिलैक्स, बस ऐसे थ्रॉटल लेना है, कुछ नहीं करना, बाइक रहता तो गियर डाउन ये वो, इस पर आराम से बैठा हूँ, बस स्पीड बढ़ाना, ऐसे एक्सेलेटर लिया, आराम से जा रही है स्मूथ। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टीवीएस एक्सेल 100। टॉप स्पीड अटेम्प्ट, जा रही है 60। पे अच्छा लिमिटर हिट कर रहा है भाई, FI आ गया है, वाह रे भैया, वाह वाह रे FI का लिमिटर। मैंने तो भाई गर्व है मुझे, बिना लिमिटर वाला चलाया हूँ। तो बस भाई, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये फन का व्लॉग, आपको मज़ा आया होगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी, तो होप करता हूँ भाई ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।